डॉक्टर नरेंद्र कोहली बहुमुखी प्रतिभा के धनी, चाहे वह लेखन हो या अध्यापन, डॉक्टर कोहली ने भारतीय संस्कृति के किरदारों और उनकी कहानियों को नया आयाम देने का एक सफल प्रयास अपने लेखन द्वारा किया है। इनका जन्म 1940 में पंजाब में हुआ। डॉक्टर कोहली को वर्ष 2012 में व्यास सम्मान, 2017 में पद्मश्री से नवाजा गया। न भूतो न भविष्यता, तोड़ो कारा तोड़ो और अभ्युदय जैसी उनकी कुछ किताबें हैं जिन्होंने खास ख्याति पाई। आपको बताते चलें कि डॉक्टर कोहली ने अपनी अधिकांश तालीम उर्दू में पाई, परंतु उसके बाद भी वे अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम छोड़ नहीं पाए, जो कि आज हमें बिरले ही देखने को मिलता है। इनकी वाणी में ओज देखते ही बनता है, और यह व्यंग करने से कतराते नहीं है। देखते हैं एक झलक। बधाई हो आपको, ये आपको 20 साल पहले मिलना चाहिए था, आपको पद्म भूषण मिलना चाहिए था, इत्यादि इत्यादि जो लोगों की पता नहीं उनकी मन की भावना होती है कि पता नहीं वो मुझे प्रसन्न करने के लिए ये सब कह रहे होते हैं, सरकार ने ये किया। मैंने कहा भाई, जिस सरकार ने देर की वो तो गई जी। इतने पिछले इतने वर्षों से, 70 वर्षों से जो सरकार थी वो रहती तो नहीं मिलना था, नई सरकार आई उन्होंने दे दिया। तो आइए रूबरू कराते हैं आपको उनसे हुई एक मुलाकात से। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुलाकात द टॉक शो, और आज मेरे साथ हैं हिंदी साहित्य जगत के बादशाह। 1970 से लेकर आज के युग को हम कोहली युग के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली एक ऐसा विशाल व्यक्तित्व है जिनकी एक एक लाइन से, एक एक शब्द से आपको एक नई प्रेरणा, एक नई सीख मिल सकती है। सर, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब पिछले वर्ष 2017 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो जब आपको पता चला इसके बारे में और अब वहाँ राष्ट्रपति भवन पहुंचे भी, तो उस पल को हम सबसे आप साझा करें। समाचार थोड़ा आकस्मिक अवश्य था, क्योंकि मुझे इसकी सूचना 26 जनवरी की सुबह 7:15 उनके फोन से मिली। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी होता है, मुझे लगता है कि इस उम्र में आकर के, यानी 77 वर्ष की अवस्था में, अब मैं 78 का हो गया, इस तरह के पुरस्कारों का प्रभाव बहुत देर तक नहीं रहता। अब ठीक है कि दिन भर मित्रों के फोन आते रहे कि भाई बधाई हो आपको ये मिल गया, आपको 20 साल पहले मिलना चाहिए था, आपको पद्म भूषण मिलना चाहिए था, इत्यादि इत्यादि जो लोगों की पता नहीं उनकी मन की भावना होती है कि पता नहीं वो मुझे प्रसन्न करने के लिए ये सब कह रहे होते हैं, सरकार ने ये किया। मैंने कहा भाई, जिस सरकार ने देर की वो तो गई जी। इतने पिछले इतने वर्षों से, 70 वर्षों से जो सरकार थी वो रहती तो नहीं मिलना था, नई सरकार आई उन्होंने दे दिया, तो जिसने नहीं दिया उसको गाली देने के अब कोई फायदा नहीं है, और जो जिसने दिया उसका स्वागत है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक पद्म भूषण मिले कि पद्म विभूषण मिले या भारत रत्न मिले, उसके विषय में चुनाव मैं नहीं करता, चुनाव तो वही लोग करेंगे, और उनका सामान्यतः किसी से बाद में बात करो तो वो कहते हैं कि आरंभ तो पद्मश्री से ही होगा। बिल्कुल ठीक है, तो वो 2-4 दिन का एक उत्सव होता है जिसमें मित्र लोग फोन करते रहते हैं, आते रहे हैं, मिलते हैं, बधाई देते हैं, सब कुछ करते हैं। मैंने उसके उत्सव को मनाने के लिए कुछ नहीं किया, बस उससे अधिक कुछ नहीं। सर, आपने स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कई चीजें लिखी हैं, साहित्य आपने लिखा है, तो ऐसा कौन सा सद्वाक्य है, वाक्य कोई कोटेशन है जो आपको सबसे प्रिय है, जो स्वामी जी ने कहा है या लिखा है? लेकिन मुझे लगता है एक उक्ति जो मैं बार बार कहता हूँ, जब ये अपने
गुरु के देहांत के बाद अपने मित्रों के यहाँ जाते थे और इनका वो लोग इनको अपमानित करते थे, क्योंकि इनके मित्रों के माता पिता को लगता था कि हमारे बच्चों को बहका रहा है। अच्छा, तो कोई दरवाजा भी नहीं खोलता था, कोई पानी का गिलास भी नहीं पूछता था, उस तरह की स्थिति। एक रोज माता भुवनेश्वरी दुखी होके रो पड़ी, लेकिन तू वहां क्यों जाता है जहां तेरा सम्मान नहीं होता? तो उन्होंने एक बात कही कि माँ, मेरी माया मर चुकी है, ये पृष्ठभूमि है। और उसके बाद ये है कि मान सम्मान व्यक्ति का नहीं होता, देश का होता है, राष्ट्र का होता है, धर्म का होता है, संस्कृति का होता है, व्यक्ति का कोई मान सम्मान नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको उन्होंने प्रमाणित किया अपने जीवन में कि जब उनको अमेरिका में वहां के एक कुली ने, जो अफ्रीकी था, उसने ये कहा कि तुम और मैं एक ही जाति के हैं, तो हाथ मिला सकता हूँ क्या मैं? इन्होंने कहा कि गले मिलो, उसमें कोई बात नहीं। इनके साथियों ने कहा कि व्हाई डोंट यू टेल हिम दैट यू आर एन इंडियन? राइट। तो बोले, इसलिए जन्म नहीं लिया है कि लोगों को नीचा दिखा के खुद ऊंचे बने। बहुत तो ऐसी बहुत उक्तियां हैं उनकी जो समय समय पर अलग अलग संदर्भों में याद आती हैं, कि अगर उन्होंने कहा कि हिंद महासागर के तल में जितना कीचड़ है वो सब अंग्रेजों के मुंह पे मल दिया जाए तो भी ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को उससे ज्यादा कलंकित किया। बिल्कुल। आपका बचपन का कुछ समय आज के वर्तमान के पाकिस्तान में बीता, और उसके बाद विभाजन हुआ और आप भारत आए, तो उस समय का क्या आपका अनुभव रहा, और विभाजन के समय आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। 1947 में मैं 7 वर्ष का था। तो विभाजन के बाद परेशानियां तो वो सारी हुई जो लोगों को, बाकियों को हुई थी। अचानक आपको ये निर्णय लेना पड़े कि इस घर को छोड़कर के हमको निकल जाना है, सामान यहीं का यहीं, घर यहीं का यहीं, सब कुछ छोड़ के हमको निकल जाना है, कहाँ जाना है ये भी पता नहीं है। तो आप सड़क पर आए, सड़क से आपको बच गए यदि आप मरने से, तो किसी दुर्घटना से, तो आप कैंप में ले जाए गए। कैंप में गए तो घर में आप पलंगों पर सो रहे हैं, वहां पर बिछाने के लिए दरी नहीं है, जमीन पर सोना है, खाने पीने को लाइन में लग करके आपको जो सेना वाले जो चाय पिला रहे हैं वो चाय पीनी है, जो भोजन आपको ये काले चने उबले हुए और रोटी मिलती है वो खानी है जी। और जो ऊपर जब हम लोग डेरा बाबा नानक पहुंचे हैं, जो भारत का सीमा है, तो उस रात संयोग से ऐसा हुआ कि भाई ऊपर से इतनी वर्षा कि उस वर्षा को पानी बह रहा है तो नीचे से मिट्टी खिसक रही है, ऊपर से पानी बरस रहा है, बैठे सारी रात उस तरह से बैठे। तो आपको लगता है कि आपके लेखन पर उसका कोई प्रभाव पड़ा बाद आने वाले वर्षों में, या जब आपने बचपन में लिखना शुरू किया थोड़ा बहुत? मुझे याद आता है कि स्कूल में 6वीं 7वीं कक्षा में मैं था तब, तो हमारे गुरु जी कहूँ, मास्टर जी कहूँ, उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय उत्सव पर आप निबंध लिखिए जी। तो जो मेरी बुद्धि थी और जो मेरे ध्यान में आया, मैंने कहा कि 1947 स्वतंत्रता आपका राष्ट्रीय उत्सव है, तो उस समय हमने क्या देखा, चारों तरफ आग लगी हुई है, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, कहीं पुलिस गोली चला रही है, इत्यादि इत्यादि कुछ चीजें मैंने लिखी। तो वो बोले कि ये तो कोई निबंध नहीं हुआ। मैंने कहा आपने कहा राष्ट्रीय उत्सव, तो हमने तो राष्ट्रीय उत्सव नहीं देखा है। बिल्कुल सर। एक बार आपने अपनी हिंदी के प्रति जो रुचि यात्रा आपने तय की, उसके बारे में बताया था कि आपने हिंदी को ही क्यों चुना, जबकि आपने उर्दू भी पढ़ी है, अंग्रेजी भी आप जानते हैं, संस्कृत भी आप जानते हैं, तो हिंदी के प्रति इतना लगाव, इसके तरफ की यात्रा क्या रही?
देखिए ऐसा है कि संस्कृत तो मुझे आती नहीं, ये भ्रम है कि मुझे संस्कृत आती है। मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती। जो काम मैंने किया वो अनुवाद के माध्यम से किया। अच्छा, अब जो हमारी स्थिति थी जहाँ हम थे सियालकोट में, घर में हम पंजाबी बोलते थे, पंजाब में पंजाबी बोलते थे, कोई भी परिवार हिंदू मुसलमान पंजाबी सिख सब सब पंजाबी बोलते थे। वहाँ की भाषा पंजाबी थी, हमने अपनी माँ से मातृभाषा के रूप में पंजाबी सीखी और घर में वही बोलते थे। स्कूल गए तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण वहाँ पढ़ाई उर्दू में होती थी, तो उर्दू पढ़ना पढ़ने की एक तरह की बाध्यता हो गई कि उर्दू में ही आप माध्यम आपका उर्दू होगा। बाद में ऊंची कक्षाओं में जाके अंग्रेजी हो जाती है और जब आप नौकरी करने निकलेंगे तो अंग्रेजी करेंगे जी। और पूजा पाठ तो आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ मतलब संस्कृत में होता है। तो मेरे मन में दो बातें उसके लिए थी। एक तो ये आरंभ से ये कि ये अलग अलग बातों के लिए अलग अलग भाषाओं का क्या मतलब है। बिल्कुल, क्या एक भाषा ऐसी नहीं हो सकती जिसमें हम अपने जीवन का सारा सारी दिनचर्या उसमें जीवन के सारे काम उस एक भाषा में हो सके। तो एक तो मेरे मन में ये कहिए कि लोभ था या इच्छा थी, मेरी आकांक्षा थी। लेकिन संस्कृत तो मैंने तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी और भी लोगों के लिए वो कठिनाई है। तो फिर ये है कि जो भाषाएं उपलब्ध हैं जो प्रचलित हैं उनमें हिंदी के माध्यम से ही ये काम हो किया जा सकता है। दूसरी बात ये थी कि सांस्कृतिक जीवन की दृष्टि से जी उर्दू हमारे लिए, मेरे लिए या मेरे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल महत्वहीन है। क्योंकि जितना उर्दू साहित्य मैंने पढ़ा उसमें भारतीय संस्कृति कहीं है ही नहीं, न गंगा है ना हिमालय है। एक सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिख दिया इकबाल ने, उसके बाद वो भी पलट गए। बाकी ना हमारा इतिहास है, ना हमारी संस्कृति है, ना हमारा धर्म है। उर्दू में कुछ नहीं है, वो सब कुछ जो कुछ भी है वो विदेशी है। इसलिए मेरी प्रकृति जो थी मुझे बड़ा कठिन लगता था कि जब पिताजी को चिट्ठी लिखनी है उर्दू में तो वालिद साहब लिखा जाए, पिताजी ना लिखा जाए। ये ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो अटकाती थी मुझे। तो जब मेरा वश चला स्कूल में तो यहाँ भी आकर के जमशेदपुर में उर्दू माध्यम के ही कक्षा में, हमारे पिताजी कहते थे अरे पढ़ते चलो ना जो भी है जैसे भी हो, क्यों क्या बदलना। इसीलिए संस्कृत नहीं पढ़ पाया तो वो उर्दू पढ़ता चला गया। और जब मैं कॉलेज में आया जी जहाँ मुझे स्वतंत्रता थी कि मैं अपनी भाषा के नाम पर मैं क्या लिखूं, हालांकि वो थोड़ी सी उसमें भी धोखाधड़ी है क्योंकि यूनिवर्सिटी को ये पता चल जाता कि ये मैट्रिक हम उसको कहते थे 11वीं कक्षा में ये हिंदी उस स्तर की पढ़ के नहीं आया है, हिंदी भाषी वाली जो चौथी पांचवीं का स्तर था वो राष्ट्रभाषा वो पढ़ के आया है, तो मुझे इंटरमीडिएट में हिंदी नहीं मिलती। तो वो नरेंद्र कोहली नाम देख करके कि हिंदू लड़का है तो हिंदी ही होगी, तो उसने डर अपने आप। और जब तक मुझे इंटरमीडिएट की परीक्षा होने के बाद उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला तब तक मेरे मन में चैन नहीं था। मुझे तो किसी भी दिन ही हो सकता है, खुल सकता है कि भाई ये तो इसके योग्य नहीं था, इसको जो योग्यता जो हमको चाहिए अर्हता जिसको हम कहते हैं कि वो नहीं थी जी। तो ठीक है, जब हो गया उसके बाद फिर बीए हो गया एमए हो गया तो निश्चिंत हुए। ये कहानी थी। तो आपने बताया है, एक बार मैं सुन रहा था कि आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी जी से भी आपका मिलना हुआ है, या और भी कोई ऐसा प्रसंग हमारे जो व्यूअर्स को आप सुनाइए कि जब आप अपने किसी प्रेरणा स्रोत लायक लेखक से या ऐसे व्यक्तित्व से मिले जिनसे आपने कुछ सीखा, या उनसे आपकी क्या वार्तालाप हुई, क्या बातचीत हुई।
देखिए लेखक तो मैं बहुत लेखकों से मिला हूँ जी, पर उनसे जिनसे के प्रेरणा कहिए प्यार कहिए जो कुछ मिला जी, उनमें एक तो आजाद प्रसाद बेदी थे, उनसे कोई बहुत मिलना जुलना मेरा नहीं था, मतलब दो एक जगह आयोजनों में मिल गए, यूनिवर्सिटी में मिल गए, डॉक्टर नरेंद्र के घर में अपना थीसिस लेके गया था वहां मिल गए, या जेएनयू में उनका भाषण था वहां मिल गए, एक बार हमारे कॉलेज आए, तो संयोग ये था कि मेरे पास अपनी एक पुस्तक पांच एपिसोड उपन्यास वहां रखी थी, तो वो मैं मुझे बताया ही नहीं गया था, मुझे मालूम नहीं था कि वो आने वाले हैं, इसलिए मैं अपने क्लास लेने के हिसाब से पहुंचा तो वो जा रहे थे, तो मैंने सोचा अब क्या करूं, तो मैंने पांच एपिसोड उपन्यास निकाल के लॉकर में से उनको थमा दिया, तो मेरा ख्याल एक सप्ताह के अंदर उनका एक लंबा पत्र मुझे मिला और उसमें उन्होंने प्रशंसा भी की, शाबाशी भी दी और दो एक सुझाव भी थे कि एब्सर्ड उपन्यास की जगह अविश्रद्ध उपन्यास नाम होता तो ज्यादा अच्छा है। तो मैंने उनको ये कहा कि आप पहले मालूम हो गया होता तो मैं करता, अब तो छप गई है किताब। उसके बाद मैंने रामकथा के एक एक खंड उनको भेजना शुरू किया और उनके पत्र हर पुस्तक पर आते थे, दो एक कुछ प्रश्न ऐसे थे रामकथा संबंधी जो उनसे पूछे गए मेरी इसको लेके, तो उन्होंने मुझे लिखा कि भाई मेरे एक मित्र ने ये आपत्ति की है, मैंने उसका उत्तर दिया, उन्होंने कहा मैं आपसे सहमत हूँ इत्यादि, इस तरह का संपर्क मेरा उनसे रहा। जिनसे मिलने जुलने का संपर्क था वो अमृतलाल नागर थे, उनके घर लखनऊ में शायद तीन बार गया हूँ और वो बड़े प्यार से मिलते थे और बुलाते थे, और एक बार मैंने उनसे कहा कि भाई आप बहुत व्यस्त होंगे, तो बोले व्यस्त तो हम रहते ही हैं पर तुम कब कब लखनऊ आते हो, इसलिए आ जाओ। तो सब परिवार मतलब पत्नी और बच्चों के साथ भी मैं उनके घर गया, रामकथा पढ़ के उन्होंने भी मुझे पत्र लिखा और उसमें कहा कई चीजें थी कि नरेंद्र इस पे विचार करो कि एक नर है, एक किन्नर है, एक वानर है, तो हैं तो तीनों नर लेकिन लोगों ने उनको क्या क्या रूप दिए हैं, तो इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दो वगैरह वगैरह, मतलब उनका सबसे बड़ा जो मैं कहूं कि प्रशंसा वाक्य या कॉम्प्लीमेंट जो था, उन्होंने मुझे कहा कि ये काम मुझे करना था, अरे वाह जो तुमने किया, तो इससे ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। बाकी वैसे जैनेन्द्र कुमार से भी मिले, उनकी भी प्रशंसा के पत्र मिले, उस समय जितने बड़े लेखक थे वो हमारे भगवती चरण वर्मा, ये सुमन जी और डॉक्टर देवराज, तो सबके पत्र मेरे पास आए और प्रशंसा करते, नागार्जुन तो मेरे घर काफी आया जाया करते थे जी, पर उनका थोड़ा सा चिंतन धारा उनकी अलग थी, तो जो कुछ वो कहते थे ठीक है, अच्छी बातें भी बताते थे जो एक लेखक के रूप में बतानी है, और लेकिन उस समय तक उनका पढ़ना लिखना बंद था। ऐसा कहा जा सकता है कि सर आप इस बात को मानते हैं कि वैश्वीकरण की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय साहित्य को या फिर उसके जितने भी पाठक हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है या उनका इंटरेस्ट जो है भारतीय साहित्य से दूर हुआ है, क्या प्रभाव है वैश्वीकरण का? वैश्वीकरण का पहले तो अर्थ अपना आप स्पष्ट कर लीजिए कि उसका मतलब आप क्या मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से ही ये कहते हैं कि विश्व एक परिवार है। बिल्कुल, वसुदेव कुटुम्बकम है, तो तब से नुकसान नहीं हुआ तो आज ही होगा। जितना ज्ञान जिसको वो कहते हैं लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड, ऋग्वेद से राइट, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वैश्वीकरण से हमारा साहित्य पीछे, अरे आपके साहित्य में दम होगा तो वो उभर के ऊपर आएगा, जो हमारा नुकसान हुआ वो ये है कि जहां ये मान लिया जाता है कि विश्व साहित्य का मतलब
विदेशी भाषा वेस्टर्न, कि हिंदी में भी या भारतीय भाषाओं में से कौन सा ग्रंथ विश्व साहित्य के योग्य है, ये बात आप सोचते ही नहीं। जहाँ बात करते हैं विश्व साहित्य की, वहाँ तुरंत अंग्रेजी की किताबें ले आते हैं। ये नुकसान हमारा जरूर हुआ है। उसका कारण ये है कि हम एक तरह से हीन भावना से ग्रस्त लोग हैं। हमारा समाज जो है वो हीन भावना से ग्रस्त है, और जिसने अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी सांस्कृतिक भाषा, जो भी आप कहना चाहें, वो छोड़ करके, उसका त्याग करके अंग्रेजी को अपनाया, ये मेरी मातृभाषा है, ये भी भारत की भाषा है, इस तरह की बातें जिन लोगों ने की, संख्या में बहुत कम है, लेकिन शासन वही कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके सिर पे वही बैठे हैं, सारे आपके न्यायालयों में काम अंग्रेजी में होता है। जो आदमी जिसका मुकदमा, उसको नहीं पता लगता कि क्या बोला, क्या जा रहा है, वकील क्या कह रहा है, जज क्या कह रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो वो हम जो 1200 वर्ष हमने विदेशी शक्तियों के अधीन बिताए, और उसके बाद एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि आज हम एक भाषा की बात करते हैं, तो तत्काल ये होता है कि कोई भी भाषा हम पर थोपी क्यों जाएगी, हमारी अपनी भाषा है। अगर आप अपनी अपनी भाषाओं को लेके लड़ते रहेंगे तो फिर अंग्रेजी थोपी जाएगी। मैं गया था त्रिशूर, तो वहाँ साहित्य अकादमी में वहाँ के पत्रकारों ने प्रश्न किया, बाकी सारे साहित्यिक प्रश्न छोड़ करके प्रश्न किया गया, दे से नॉर्थ इज फोर्सिंग हिंदी ऑन अस, व्हाट डू यू से। मैंने कहा कि भाई मैं तो जो जानता हूँ वो ये है कि हिंदी प्रदेश अपना काम हिंदी में नहीं कर पा रहे हैं, वो तुम पर कहाँ से थोपेंगे। यू आर फोर्सिंग इंग्लिश ऑन अस बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट वी कैन वर्क इन आवर ओन लैंग्वेज। राइट, अगर हम अब केरल में, अब मलयालम में कीजिए ना, हम क्या मना कर रहे हैं आपको, लेकिन हमको तो हिंदी में करने दीजिए। हुआ क्या है कि जो मैं कहता हूं ना कि मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं करता, मैं पर अपनी भाषा के त्याग का विरोध करता हूं। पुर्तगाल में उसको कहते हैं रातो, रातो मीन्स रेट, तो हम भी तो मूषक कह सकते हैं, मूसा कह सकते हैं उसको, और वो माउस के निकट भी है, लेकिन हम माउस कहेंगे उसको, हम जैसे ही कहेंगे मूषक लोग हंसना शुरू करते हैं। अब विंडो आप मान लेंगे, गवाक्ष नहीं मानेंगे, हंसना शुरू करेंगे, ये क्या है विंडो, विंडो तो ठीक है, तो विंडो का अर्थ क्या है, गवाक्षी तो है, क्या है। तो ये हमारी अपनी भीतर की जो हीन भावना, जब तक नष्ट नहीं होगी, आत्मबल से खड़ा नहीं होगा ये देश, तब तक ये सब होता रहेगा तमाशा।